ग्रोथ रेट क्या लगेगी, सकल घरेलू उत्पाद क्या रेट से बढ़ना चाहिए इंडिया में, तीसरा पॉइंट, और पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय क्या प्रतिशत से बढ़ना चाहिए। ये तीन चीजें चार चीजें ही केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बता दे, मैं मान जाऊंगा कि चाय बेचने के अलावा 10 साल में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के थोड़ी पढ़ाई भी इस प्रधानमंत्री ने की होगी, मैं मान जाऊंगा। ताली नहीं बजाया आप लोगों ने, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, चलो मैं बता देता हूं। हमारे देश में 40 रुपया 66 पैसे, अभी ध्यान से सुनिए, 40 रुपया 66 पैसे, और इसमें आप लोग हैं यहां जो बैठे हैं ना, उसमें अधिकतर लोग आप लोग हैं। 40 रुपया 66 पैसे एक दिन में केवल हमारे देश में 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम केवल इतनी है, एक दिन की 40 रुपया 66 पैसे। दूसरा, हमारे देश में 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 79 रुपया 20 पैसे है, 79 रुपीज 20 पैसा। अगर एक परिवार में 5 लोगों को मैं पकड़ लू, 5 लोकांना जर एका परिवारामध्ये पकड़ लो, हिंदी मध्ये जास्त बोललो कारण मला ऐकणारे पूर्ण इंडिया मध्ये आहेत, जर थोड़ा हिंदी मध्ये बोललं नसतं तर मग पूर्ण इंडियाला माहिती झालं नसतं, तसं तर साउथ इंडियावाल्यांना हिंदी कळत नाही, त्यांच्यासाठी इंग्लिश बोलावी लागते, जर मी इंग्लिश बोललो तर तुम्ही खुर्ची सोडून पडून जाणार, म्हणून जे आहे ते इंग्लिश अवॉइड करून राहिला, अदरवाइज मेरी इंग्लिश जो है अगर मैं बोलू तो आप खुर्ची छोड़ के भाग जाओगे, बोलोगे सर ने कौन सी भाषा बोली, इसलिए थोड़ा हिंदी ज्यादा बोला, मराठी थोड़ा सा बोलतोय। 80 कोटी लोक, 17 कोटी परिवार, एका परिवारामध्ये जर 5 लोकांना पकडलं, 11,880 फक्त तुमच्या महिन्याची इन्कम आहे, असे 17 कोटी परिवार आहेत देशामध्ये। जिन 82 करोड़ लोगों को ये प्रधानमंत्री 10 साल की सरकार के बाद भी कहते हैं कि 5 किलो अनाज फ्री में मिलेगा, चावल फ्री में मिलेगा, गेहूं फ्री में मिलेगा, और भैया तेल कौन खरीद के देगा, सब्जी भाजी कौन खरीदेगा, मटन चिकन कौन खरीदेगा, आपकी जो है वो मसाले कौन खरीद के देगा, कपड़े कौन खरीद के देगा, मोबाइल का डेटा कौन खरीद के देगा, मजा देखो। ये प्रधानमंत्री को 10 साल बाद भी इस बात की सद्बुद्धि नहीं कि मेरे देश में मेरी 10 साल सरकार चलने के बावजूद 82 करोड़ पॉपुलेशन, 28 करोड़ परिवारों में 17 करोड़ परिवारों को केवल 11,880 रुपए पे 5 लोग जिंदा है, ये 79.20 रुपीज एक व्यक्ति कमाता है। ये प्रधानमंत्री को, मेरा जैसा प्रधानमंत्री अगर रहता तो शायद ये बोलते बोलते हार्ट अटैक आके गिर जाना चाहिए था उसको, कि मेरे देश की 82 करोड़ जनता को मेरे को 5 किलो चावल देना है। यूनाइटेड नेशंस के डेफिनेशन के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन के हिसाब से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के डेफिनेशन के हिसाब से ये गरीब ही है, अति गरीब, इससे थोड़ा और नीचे है, बताता हूं वो भी देखा, ये गरीबी है। यानी 82 करोड़ लोग, 17 करोड़ परिवार हमारे देश में गरीब जैसे है, पॉइंट नंबर 1। 3,68,00,000 परिवार, 3.5 करोड़ से 3,68,00,000 परिवार असे आहेत ज्यांची 5 लोकांची परिवाराची इनकम फक्त 7,000 रुपये आहे, ते अति गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर। अब सवाल यह है, 2 लोगों का रेफरेंस लेता हूं, एक हमारे देश में प्रधानमंत्री हुई थी इंदिरा गांधी, और एक हमारे देश के विद्यमान उद्योगपति है गौतम अडानी जी, और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। 3 लोगों का रेफरेंस लेता हूं। इंदिरा गांधी ने
इमर्जन्सीच्या काळात त्या फेजमध्ये असं स्लोगन लावलं होतं, गरीबी हटाओ। हमारे देश में गरीबी नहीं रहना चाहिए, इंदिरा गांधी का स्लोगन था। हम देख रहे हैं आज तक गरीबी नहीं हटी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने घर में नल दिया, गैस सिलेंडर दिया, घर दे रहा हूं, अच्छी बात है बुरी बात नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। अरे आप नहीं दे रहे हैं, आप बजट से दे रहे हैं लोगों के। ये पैसा लोगों के टैक्सेस का है। आप हम हर कोई टैक्स देता है, आप ये मत सोचो आप गरीब है तो आप टैक्स नहीं देते। अगर आप माचिस भी खरीदते हो तो उस पर भी जीएसटी है, आप कागज खरीदते हो उस पर भी जीएसटी है। आप गरीब भी होगे फिर भी आप टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो अमीर लोग हैं वो इनकम टैक्स देते, कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देती, कोई प्रधानमंत्री ने स्वतः खिशातून नहीं दिला, हा देशाची तिजोरी, हा देशाच्या जनतेचा टैक्सेस जी है त्याच्यामधून केलं। मला हे म्हणायचं आहे, गौतम अडाणी असे म्हणाले की 2047 पर्यंत आपल्या देशामध्ये गरीब राहणार नाही। बघा, इंदिरा गांधीने 70-80 दशकामध्ये म्हटलं होतं गरीबी हटाओ, 70 साल का पीरियड ये बोल रहे कि वहां गरीबी खत्म होगी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारे देश के गरीब, मेरे 10 साल की सरकार के बाद ही और 5 साल में ये गरीबी को मैं समाप्त कर दूंगा, आपकी इतनी इनकम रहेंगी, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। तो मुझे ये सवाल बार बार जो है वो ध्यान में आया नीति बनाते वक्त, क्योंकि ये मैं केवल दूसरों की कमी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी पार्टी का ऑफर कर रहा हूं पॉलिसी जो ये घोषित